अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी ऑन हुई है। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अ नंबर ऑफ सब्सटेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप टुगेदर अंडर दिस हेडिंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर मतलब पाए गए हैं, आइडेंटिफाइड किए गए हैं और उसको इस हेडिंग के अंदर रखा गया है। इट मस्ट बी नोटेड दैट ईच ऑफ द बी विटामिन इज अ सेपरेट विटामिन इन नेम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, विटामिन बी में जो अलग अलग विटामिन है उनका सेपरेट नेम है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग है और फंक्शन भी अलग है। माना कि वो सब B1, B2, B3 ऐसे करके होंगे, पर फिर भी सब में क्या डिफरेंस है? नेम, स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो जो वो वाला क्वेश्चन होता है ना, रीजन और रेजरेशन, वैसा क्वेश्चन आता है कि विटामिन B1, B2 आर नोन एज बी कॉम्प्लेक्स, एंड सेकंड में रीजन दे दिया जाएगा कि देयर स्ट्रक्चर, नेम एंड फंक्शन आर सेम। तो आपको क्या करना है वहां पे कि वहां का उसका स्ट्रक्चर, नेम और फंक्शन जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। द सिक्स मेंबर ऑफ दिस ग्रुप नेमली थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पाइरोडॉक्सिन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 आर इंक्लूडेड इन RDA। कोई RDA का फुल फॉर्म बताएगा? मैं 2-3 दिनों से पढ़ा रही हूं तो मैंने बोला था RDA का कुछ फुल फॉर्म होता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस। या बिकॉज द डेफिनाइट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस विटामिन हैव बीन एस्टेब्लिश थ्रू रिसर्च, अ डाइट विच प्रोवाइड एक्विट अमाउंट ऑफ दिस सिक्स विटामिन ऑल्सो कैरी इनफ ऑफ अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, ऑल दिस विटामिन आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर गिवन इन। ये तो उस बुक का बात है, उसको छोड़ देते, अब आगे बढ़ेंगे। विटामिन B1 थाइमिन, ठीक है, इस हमें ना जैसे हमने उसका टेबल बनाया ना, वैसे हमें विटामिन बी का भी बनाना है। ठीक है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि B1 का नाम जो होता है वो थाइमिन होता है। ठीक है, और एक चीज नोट करेंगे, जब हम लोग ये विटामिन कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैं आप लोग का एक टेस्ट लूंगी। ठीक है, वो मैं चेक कर लूंगी कि कैसे मुझे लेना है, और फिर उसमें सिर्फ विटामिन के क्वेश्चन रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रहेगा। मैम आपकी आवाज कट गई थी। ठीक हाँ, एक सेकंड मैं बोलती हूँ, मैं एक बार सिलेबस देख के बताती हूँ। वीडियो ऑन। क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये सब चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल, मतलब ये 6 चीज का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, स्क्रीन में ये भी प्रेजेंट हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? तो ये सब चीज का मैं टेस्ट लूंगी। ठीक है, और ऐसा टेस्ट होगा जिसमें डायरेक्ट ऑनलाइन आप लोग को गूगल फॉर्म वगैरह, क्योंकि हम लोग दो ग्रुप में ऐड नहीं है, नहीं तो देख लेंगे जैसा भी टेस्ट लेंगे, पर आप लोग इसकी तैयारी साथ साथ करते जाएंगे। तो यहाँ पे थे हम लोग, थाइमिन विटामिन B1 इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल एंड प्लांट फूड, जैसा कि हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। ऑलमोस्ट ऑल फूड स्टफ एक्सेप्ट फैट्स, ऑयल, शुगर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ थाइमिन। ठीक है, सब में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल फूड में, पर जो सब्सटेंस जैसे फैट्स, ऑयल, शुगर होता है, शुगर किसको बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट, उसमें थाइमिन की मात्रा जो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, प्लांट फूड सच एज होल ग्रेन सीरियल, वीट एंड राइस एंड होल पल्सेस आर रिसोर्स ऑफ थाइमिन। ठीक है, तो जो होल ग्रेन सीरियल्स होती है या फिर जो होल पल्सेस होती है वो थाइमिन के रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, अमॉन्ग द फूड ऑफ द एनिमल ओरिजिन लाइक लीन मीट, पोल्ट्री एंड द एग योक आर द गुड सोर्सेस। ठीक है, आप लोग इसके सोर्सेस याद करते जाएंगे। वन पॉइंट दैट नीड टू बी एम्फेसाइज हियर इज द प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल एंड पल्सेस कैन सिग्निफिकेंटली अल्टर द थाइमिन कंटेंट। ये चीज मैंने आप लोग को कल भी बताई थी। देखिए क्या होता है, जैसे वीट है, ठीक है, तो वीट का तीन मैं प्रोडक्ट का नाम बता रही हूँ। एक होता है वीट का, गेहूं का आटा, जो हम लोगों ने गेहूं लिया उसको जाके चक्की में पिसवा लिया। दूसरा है मैदा, मैदा में क्या होता है, उसका जो छिलका होता है उसको निकाल के वो लोग पता नहीं कुछ अलग प्रोसेस से मैदा बनाते हैं। फिर थर्ड प्रोसेस होता है, थर्ड जो है सूजी,
ठीक है। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा विटामिन बी किसमें मिलेगा आपको, आटे में, ठीक है, क्योंकि उसका जो छिलका है उसमें विटामिन था, और जब मैदा बनाया तो हमने उसको निकाल दिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना होल पल्सेस, जैसे कि राजमा हो गई, राजमा का तो वो वाली दाल भी नहीं बनती है, दूसरी चीज बताती हूँ, जैसे मूंग हो गया, ठीक है, साबुत मूंग होता है, तो साबुत मूंग के छिलके में विटामिन बी है, ठीक है, पर उसी को हम लोगों ने छिलका निकाल लिया। और जो मूंग दाल खाते हैं ना पीली वाली, जो मूंग दाल होती है टूटी वाली, उसमें अगर आप देखोगे तो विटामिन बी की मात्रा कम होगी। और उसी को, क्योंकि क्या होता है ना, जब दालों का छिलका निकाल दिया जाता है तो उसका जो कलर है वो बहुत अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए ना एक आप लोगों ने सुना होगा पॉलिश दाल आती है, सुना है किसी ने पॉलिश दाल, पॉलिश राइस भी होता है पॉलिश, हाँ यस मैम, उसमें शाइनिंग हाँ होती है। तो वो जो, वैसे जितने भी आप लोग ऐसे ज्यादा अच्छी चीजें खाएंगे ना, पॉलिश दाल या पॉलिश राइस, तो उसमें विटामिन्स की जो संख्या है या फिर जो अमाउंट है, सॉरी सोर्स है, वो कम होते जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे, यहाँ पे इस चीज का बारे में बताया गया है। अब हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द बेसिक फंक्शन ऑफ थायमिन एज ए को एंजाइम, मैंने कल को एंजाइम के बारे में बताया था, को एंजाइम किसको बोलते हैं, जो एंजाइम को हेल्प करते हैं। जो एंजाइम्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है, को एंजाइम के रूप में काम करना, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज एंड स्टोरेज ऑफ फैट, दस इट मेक एनर्जी अवेलेबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, ये एनर्जी अवेलेबल कराता है किसके लिए, मतलब हमारे ग्रोथ के लिए और फंक्शन के लिए, बॉडी के फंक्शन के लिए, ठीक है। इसका पूरा नाम है थाइमिस पाइरोस्पेट, द कोएंजाइम फॉर्म थायमिन। अच्छा, ये कोएंजाइम है जो थायमिन बनाता है, इज नेसेसरी फॉर कैटेलाइजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी, ठीक है। ये थोड़ी डीप बातें हैं, हम लोग इतना नहीं पढ़ेंगे, एक बार इसका जो अदर फंक्शन है उसको देख लीजिए। इसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो थ्री सिस्टम्स ऑफ बॉडी में होता है, किसमें किसमें, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में, नर्वस सिस्टम में और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, इसमें एक बार देख लेते हैं। थायमिन हेल्प टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड फॉर द सेल ऑफ स्मूथ मसल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स, ठीक है। थायमिन को क्या है, थायमिन हेल्प करता है एनर्जी नीडेड फॉर द सेल्स ऑफ स्मूथ मसल, जो हमारा जीआई ट्रैक होता है, ठीक है, वो उसमें जो मसल होती है वो स्मूथ मसल होती है, और उसको सिक्रेटरी मसल भी बोला जाता है क्योंकि उसमें जगह जगह पे मतलब सिक्रेशन होता है। तो इन लैक, अगर थाइमिन की मात्रा कम हो गई तो क्या होगा, देयर इज अ लैक ऑफ मसल टोन एंड डेफिशिएंट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रिएशन, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें भूख कम लगेगी, हमारा खाना अच्छे से नहीं पचेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और हमारा जो स्टमक का फंक्शन है वो पुअर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन करेंगे, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, हाईलाइट कहाँ गया, इन द लैक ऑफ, ओह शिट, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम में थायमिन का क्या रोल है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम नीड ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स फॉर इट्स फंक्शन, ठीक है। व्हेन देयर इज लैक ऑफ थायमिन द एनर्जी इज नॉट रिलीज एंड द नर्व्स आर अनेबल टू वर्क विद द लॉस ऑफ रिस्पॉन्स एंड अलर्टनेस, द रिजल्ट इज अपैथी, पैटी, इरेटेबिलिटी। इफ द मतलब इफ द डिफिट कंटिन्यू द नर्व टिश्यू में डैमेज कॉजिंग पेन एंड फाइनली पैरालिसिस। सोच रहे हो वो छोटा सा जो विटामिन बी है अगर वो नहीं रहेगा तो कितनी सारी चीजें मतलब नुकसान में आ सकती है, ठीक है। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझेंगे। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको ग्लूकोज की जरूरत होती है अपने फंक्शन को करने के लिए, ठीक है। तो जब, अब थायमिन का क्या काम है, थायमिन उसको हेल्प करता है कोएंजाइम के रूप में
तभी ग्लूकोज जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब थायमिन की मात्रा शरीर में कम रहेगी तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी और जो नर्व्स हैं वो अपना काम सही ढंग से नहीं करेंगे। भी तो नर्व्स का क्या काम होता है, रिस्पॉन्स करना, अलर्टनेस करना। आप लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है ना। हाँ हाँ, तो वो जो है रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो अलर्ट नहीं रहेगा। इसके रिजल्ट में क्या होगा, अपैथी। अपैथी का मतलब शायद सेल डेथ होता है क्या, एक बार मैं देख के बताती हूँ। अपैथी लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है अपैथी का मतलब, ठीक है। पैटिक, थकान, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन ही तो होगा इरिटेबिलिटी का मतलब, इरिटे। हाँ मैम वही ठीक है। और अगर यही जो कमी है वो कंटिन्यू रही, मतलब किसी इंसान ने विटामिन बी को लेना ही बंद कर दिया, तो क्या होगा, उसके बाद उसके बॉडी में पेन आना शुरू करेगा, वो जो नर्व टिश्यू है वो डैमेज होने लगेंगे और फाइनली पैरालिसिस होने लगता है, ठीक है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका देखते हैं क्या होता है। इफ द एनर्जी सप्लाई इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ थायमिन, द हार्ट मसल बिकम वीकन्स एंड मे लीड टू हार्ट फेलियर, ठीक है। इससे क्या क्या होगा, जो थाइम हार्ट की जो मसल है, मतलब जो कार्डियक मसल होती है, वो वीक होने शुरू हो जाएंगी और इससे क्या होगा, हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। द ब्लड वेसल वॉल बिकम वीक एंड वेसल में डायलेट एंड फ्लूइड में एक्यूमुलेट इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड वेसल है वो वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। तो वेसल में डायलेट मतलब वेसल जो है वो, डायलेट का मतलब होता है ओपन हो जाना, मतलब डायलेट का एक मिनट में हिंदी अर्थ देख के बताती हूँ। डायलेट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, डायलेट का मतलब होगा मेक बिकम वाइडर, लार्जर और ओपन, ठीक है। तो डायलेट मतलब वो जो हमारी ब्लड वेसल है वो डायलेट मतलब ओपन हो जाएंगी, तो जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट कर जाएगा हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ लेग में। आपको पता है कि ऐसा जब होता है तो कौन सी डिसीज होती है? वेरिकोज यस, वेरिकोस वेन्स होता है, ठीक है, बहुत सही बताया। दस द इस इनसफिशियंट ऑफ थायमिन अफेक्ट्स द बॉडी एडवर्सली एंड द बॉडी फंक्शन इज डिस्टर्ब, ठीक है। तो अब हम लोग इसके सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ मिलता है विटामिन B1, तो हम लोग इसकी कमी अपने शरीर में नहीं होने देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। पल्स, ऑयल सीड, नट, एक्सेप्ट कोकोनट। सारे नट्स में होता है थाइमिन पर कोकोनट में नहीं होता, ठीक है। इसमें कितना होता है, 0.421 mg/100 g, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जब मैं माइक्रो विटामिन्स पढ़ा रही थी कि इसकी अमाउंट अगर हमारे शरीर में सिर्फ mg में रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी, मतलब बहुत कम अमाउंट में मिलता है, पर वो हमारे शरीर में बहुत यूजफुल होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो दवाई होती है उसको ऐसा नहीं है कि, मतलब अब दवाइयां तो कुछ कुछ दवाइयां बहुत बहुत mg की होती है, पर हम लोग कुछ दवाई खाते हैं वो थोड़ी सी खा लें तो भी वो असर कर जाती है, वैसे ही ये जो है इसको हमें बहुत कम अमाउंट में जरूरत होती है। फिर आगे बढ़ेंगे, सीरियल, होल, रिफाइंड। अगर हम होल सीरियल की बात करें, जैसे कि हम सीरियल्स में क्या क्या आएगा, गेहूं आ गया, तो गेहूं की बात करें तो जब छिलका वाला गेहूं जब खाएंगे तो उसमें 0.20 से 0.98 mg/g होगा। और वहीं पे रिफाइन, मतलब अगर हम गेहूं की आटा की बात करें और मैदा की बात करें तो यहाँ पे उसका रेशियो कितना चेंज हो जा रहा है, देखिए 0.06 से लेकर 0.12 तक, ठीक है। अब फ्लैश फूड, पोर्क, लीवर, शीप, अदर फ्लैश फूड लाइक फिश, एग, इसमें भी पाया जाता है। अब हम वेजिटेबल और फ्रूट्स में देखेंगे, फ्रेश पीस, ठीक है, मटर, बीन्स, कैप्सिकम, सीताफल। इससे आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, ये सारी ग्रीन चीजें हैं, ठीक है। पीज हो गया, बीन्स हो गया, कैप्सिकम, सीताफल, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है, मतलब थायमिन पाया जाता है। और अदर वेजिटेबल और फ्रूट, इन सब में भी पाया जाता है। मिल्क में भी 0.05 g होता है, ठीक है। एक बार इसको देख लेंगे, मैं एक सेकेंड में आती हूँ पानी लेके। पोर्क क्या है? पोर्क मांस होता है गाय का शायद या सुअर का।
पोर्क शायद। कुछ कुछ बोल रहा है। हाँ ठीक है, आप में से कोई कुछ बोल रहे थे अभी? मैम हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि कोई सी फूड है। हाँ ये पिग का फ्लैश होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी देखेंगे, कल मैंने आप लोगों से पूछा था, अभी मैं फिर से बता देती हूँ। व्हेन द थायमिन इंटेक इज डिफिशियंट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिस्टर्ब। हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या क्या होता है, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर टोन मसल, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, पर और एक और चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, थायमिन डिफिशियंसी कैन इफेक्ट नर्वस सिस्टम, जैसे कि मेंटल डिप्रेशन, मूडलीनेस, इरिटेबिलिटी, फॉरगेटफुल, भूलने की मतलब कि याददाश्त भी कमजोर होती, कंफ्यूजन भी होता है, फियर भी होता है। सीवियर डिफिशियंसी लीड टू बेरी बेरी, ये मेन है। ठीक है, क्योंकि ना ये एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि आता है। ठीक है, ये जो बेरी बेरी है ये हमारे एग्जाम में आता है। अ डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम विच मे नोन सिग्नि सिंस एंटिक्विटी। द नेम बेरी बेरी इज ए सिंग्लियन वर्ड, सिंग्लिश वर्ड। आई कांट, आई कांट, इसका मतलब क्या होगा? अ पर्सन इज टू इल टू डू एनीथिंग। ठीक है, मतलब उस सोचो कि ये नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, तो मैंने जैसे बताया था कि फॉरगेट मतलब कंफ्यूजन रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो वो इंसान की जो तबीयत वो इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो मतलब खुद के काम भी अच्छे से नहीं कर सकता, या फिर टू इल टू डू एनीथिंग। ठीक है, बेरी बेरी। और क्रॉनिक एल्कोहलिज्म ड्यू टू वेरी लो फूड इंटेक एंड इंक्रीज डिमांड रिस्टोर नॉर्मल इंटेक ऑफ थायमिन रिस्टोर नॉर्मल सी। ठीक है, जब कोई बहुत ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करता है और फूड का जो इंटेक है वो कम हो जाता है और जो इसकी है डिमांड बढ़ जाती है, तो नॉर्मल थायमिन के इंटेक से वो मतलब नॉर्मलसी में आ सकता है। ठीक है, तो इससे अगर आप लोग एक चीज समझना चाहे तो आप ये देख सकते हैं कि किसी को सपोज टू से हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसके फूड में विटामिन B1 की जो मात्रा है उसको बढ़ा सकते हैं। कोई है यहाँ पे? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार देखिए मेरी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। मैंने आप लोगों से अभी कुछ पूछा कि क्या बोलते हैं, कोई साइकोलॉजिकल किसी को डिसऑर्डर है, वो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आ रहा है, क्योंकि हम एक योगा इंस्ट्रक्टर है, हमने सबने MSc कर रखी है, तो कोई हमारे पास आ रहा है और वो बोल रहा है कि मैडम मुझे ये दिक्कत है, तो क्या आप लोग उसको विटामिन B1 के जो सोर्सेस हैं उसके बारे में बता सकते हैं कि आप ये कंज्यूम कर सकते हैं करके? हाँ मैम ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा है ना, योगा के साथ जो डाइट है ना वो हमेशा साथ में लेके चलता है। ठीक है, अब से लोग पूछेंगे कि क्या आसन करूं, क्या करूं, ये सब तो पूछेंगे, क्या खाना चाहिए, ये सब भी पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोग को डाइट के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। विटामिन B2, ठीक है, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। ये मोर हीट स्टेबल फैक्टर है और ये थायमिन के बाद डिस्कवर हुआ, इसलिए उसका छोटा भाई इसका नाम B2 रख दिया। ठीक है, B1 पहले डिस्कवर हो गया, उसका नाम B1 रख दिया, फिर उसका छोटा भाई डिस्कवर हो गया, B2 रख दिया। इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम यीस्ट बाई वॉर्बर एंड क्रिश्चियन, तो ये हमें इतना उसके जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। इसको विटामिन जी भी कहा जाता है, एक बार ना इस चीज को बिल्कुल नोट करके रखेंगे सब। एग्जाम में आ गया कि राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं, और कहीं पे B2 दिया ही नहीं है, विटामिन BC को बोल दिया ये वो, और वहां पे लिख दिया विटामिन जी। ओह शिट, ये कट हो गया। ठीक है, इस चीज को सब नोट डाउन करके रखेंगे।
नेम राइबोफ्लेविन इज डिराइव्ड बाय केमिकल स्ट्रक्चर. इट इज येलो ग्रीन. लैटिन वर्ड फ्लेवस मीन्स येलो. फ्लोरेसेंट पिगमेंट कलर शुगर राइबोस नेम इज राइबोफ्लेविन. इतना जानकारी लेने की जरूरत नहीं है. इट इज लेस सोलबल इन वाटर देन थायमिन, ठीक है, एंड मोर स्टेबल टू हीट, स्पेशली इन एसिडिक सोल्यूशन. वेन दिस सोल्यूशन राइबोफ्लेविन इज डिस्ट्रॉयड इन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट. सपोज टू से किसी फूड आइटम में राइबोफ्लेविन है, ठीक है, और उसको हमने कड़ी धूप में रख दिया, तो उसके वो जो सनलाइट के एक्सपोजर से उसके अंदर के जो राइबोफ्लेविन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ मिल्क टू डायरेक्ट सनलाइट में डिक्रीज द राइबोफ्लेविन कंटेंट ऑफ मिल्क कंसिडरेबली, ठीक है. मतलब अगर दूध को डायरेक्ट सनलाइट पे रखा जाए, मतलब, तो उसका जो राइबोफ्लेविन है वो कम हो जाएगा, ठीक है. फंक्शंस देखेंगे. द प्राइमरी फॉर्म ऑफ राइबोफ्लेविन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोएंजाइम फ्लेविन मोनो न्यूक्लाइड FMN एंड फ्लेमिन एडीन और डाइक्लोडाइड, क्या है, FAD, ठीक है. तो राइबोफ्लेविन फंक्शन एज ए वाइटल पार्ट ऑफ कोएंजाइम इन द बोथ प्रोडक्शन ऑफ एंड टिश्यू प्रोटीन बिल्डिंग. हम लोगों ने एक चीज पढ़ी नहीं है, क्या बोलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ठीक है. तो हमें पता नहीं है कि किसका कौन सा एंजाइम यूज होता है, पर आप लोग ना ये याद रखेंगे कि ये प्रोटीन प्रोटीन के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है. तो FMN और FAD, और उसके साथ साथ ही ये क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन में और टिश्यू प्रोटीन बिल्डिंग में हेल्पफुल होता है. इट इज दस एसेंशियल फॉर टिश्यू हेल्थ, ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट इंक्लूडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ मोनो म्यूकोक्यूटेनियस स्ट्रक्चर. इसका मतलब एक बार देख लेते हैं, म्यूकोक्यूटेनियस. आप लोग को समझ आ रहा है कि अभी कुछ दिक्कत आ रही है? आ रहा है मैम, समझ. म्यूकोक्यूटेनियस का मतलब होता है मेड अप ऑफ और इन्वॉल्विंग बोथ टाइप ऑफ टिपिकल स्किन एंड म्यूकस स्ट्रक्चर, ठीक है. मतलब ये दो प्रकार की स्किन से मिलके बना है, म्यूकस वाली स्किन और क्या बोलते हैं, टिपिकल स्किन और म्यूकस स्किन को जो मिलके बनता है वो म्यूको होता है. जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दूंगी, आप लोगों को कभी मुंह में छाले आए हैं, तो आप लोगों ने कभी विटामिन बी की टेबलेट्स ली है मुंह में हाँ जब, मैम, हाँ, तो उसी को ओके. म्यूकोक्यूटेनियस स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं सर्च कर रही हूँ ना, तो ये दांत मुंह इस सब का वो दिखा रहा है, ठीक है. तो यही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फूड सोर्स, मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, ठीक है. सो ऑल्सो प्रोडक्ट डेराइव फ्रॉम मिल्क सच एज योगर्ट, कर्ड, बटर मिल्क, मिल्क पाउडर, कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क. देर इज नो राइबोफ्लेविन इन बटर एंड घी बिकॉज द विटामिन इज वाटर सोल्यूबल एंड रिमेन इन वाटर एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क और कर्ड, ठीक है. जब घी बनाते हैं तो छाछ और वो तो अलग अलग हो जाता है, तो बटर में वो नहीं जाता क्योंकि, और वो वाटर मतलब छाछ में आके रुक जाता है, ठीक है. लीवर एंड किडनी ऑफ एनिमल बर्ड आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन्स, ठीक है. पल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग, मीट कंटेन फेयर अमाउंट ऑफ विटामिन बी टू. सीरियल, रूट, फ्रूट्स आर पुअर सोर्सेस ऑफ विटामिन राइबोफ्लेविन, ठीक है. अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है इसको देख लेते हैं. द लेक ऑफ राइबोफ्लेविन इफेक्ट द आई, स्किन एंड नर्व्स, ठीक है. आई आईलिड बिकम रफ एंड द आई बिकम सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है. तो इसका सबसे पहला इफेक्ट क्या है, आईलिड्स जो होती है वो रफ हो जाती है, और जो आईज होती है वो सेंसिटिव हो जाती है ब्राइट लाइट के लिए, ठीक है. दिस कंडीशन इज नोन एज फोटोफोबिया, द फियर ऑफ लाइट, ठीक है. तो इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि
विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, फोटोफोबिया। ठीक है, द स्किन चेंजेस आर अराउंड द एरिया ऑफ माउथ लीव्स टंग नोज, द लिप्स बिकम इन्फ्लेम्ड क्रैक एंड ऑब्जर्व एट कॉर्नर ऑफ माउथ, टंग इज सोलवन रेड एंड सोर। ठीक है, दिस इज नोन एज, इसको कोई प्रोनाउंस करेंगे, सिलियोसिस बोलेंगे क्या इसको, सिलियोसिस एंगुलस टोमेटिस। इतने बड़े बड़े नाम की बीमारी हो रही है भाई। सिलियोसिस ही होगा मैम, क्योंकि स्टोमासिस एक है, स्टोमास्टिस। सेकेंड ना, इसको देखते हैं कि इसमें होता क्या है, सिलियोसिस में, सिलियोसिस। ठीक है, सिलियोसिस समझ में आ गया। आप लोगों ने किसी को देखा होगा कि सिलियोसिस मतलब जैसे उनके लिप्स के बगल वाले मतलब जो कॉर्नर्स है ना वहां पे रेडनेस हो जाती है, उसको सिलियोसिस बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर स्टोमेटिस देख के बताती हूँ, एंगुलर स्टोमेटिस। ये सब ना मतलब लिप्स के अराउंड ही हो रहे हैं। ठीक है, सबकी फोटो देख रही हूँ। तो द डिफिशियंसी सिम्पटम कैन बी, अगर राइबोफ्लेविन लेना शुरू करे, इंटेक लेना शुरू करे, तो ये डिफिशियंसी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ये सब डिसऑर्डर्स है, फोटोफोबिया, सिलियोसिस, एंगुलर स्टोमेटिस, इतना सारे अजीब गरीब जो भी नाम है, और ये स्ट्रॉटलर डर्मेटिस, ये सब इसके वजह से होता है। ठीक है, एक बार टाइम देखेंगे कितना हो रहा है, 47। ठीक है, नाइसिन पढ़ लेते हैं आज, फंक्शंस, नाइसिन का फंक्शन और ये है नाइसिन, ये है विटामिन B3। ठीक है, नाइसिन इज अनदर मेंबर, एक सेकेंड कहाँ गया, नाइसिन इज अनदर मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली, द गुड सोर्स ऑफ नाइसिन इंक्लूड फिश, मीट, फिश, पोल्ट्री, सीरियल, पल्स, नट, ऑयसिन। वन इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट नाइसिन इज दैट इट कैन ऑल्सो फॉर्म विन बॉडी फ्रॉम द एमिनो एसिड कॉल्ड ट्राइपोपेन। ठीक है, तो मिल्क इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फूड रिच इन ट्राइपोफेन बट नॉट इन नाइसिन। ठीक है, तो इसका एक मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मिल्क के अंदर ट्राइपोपेन होता है। ठीक है, तो क्या है, जो मिल्क के अंदर जो ट्राइपोपेन प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर नाइसिन के रूप में। ठीक है, दस मिल्क प्रोवाइड एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ नाइसिन। अगर आप सिर्फ मिल्क कंज्यूम भी करते हैं तो आपका विटामिन B3 का जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, नाइसिन लाइक राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोएंजाइम विच हेल्प टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इट डज हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो विटामिन B3 का अगर आप काम देखेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, फंक्शन वही, नियासिन फंक्शन इज इन बॉडी कम फंक्शंस इन द बॉडी एज अ कंपोनेंट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोएंजाइम NAD और NADP। ठीक है, इसका ना फुल फॉर्म एक बार याद कर लेंगे, फुल नेम इज निकोटिमाइड, निकोटिनामाइड एडीन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एंड इट्स फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है NAD का, और इसी के साथ फॉस्फेट लग जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्टिवली। तो दिस कोएंजाइम आर इन्वॉल्व इन टिश्यू रिस्पिरेशन एंड सिंथेसिस एंड द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्ट इन इंजे। आपने किसी ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है कभी, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, किसी ने पढ़ा है? मैम इतना पढ़ा है कि लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज जमा होता है और फिर ग्लूकोजन से वापस ग्लूकोज बनाते हैं, उसको शायद ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। देखो, जब किसी ने मतलब जब इसका आप पूरा टेबल पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि NAD और NADP के द्वारा ही वो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो है इट दो कंपोनेंट्स के रूप में ये हेल्पफुल होता है, मतलब कोएंजाइम के रूप में हेल्पफुल होता है। और दूसरी चीज क्या है कि ये सेल मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है, तो इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, सॉरी इसकी डेफिशिएंसी नहीं लिख पाई मैं।
एक बार रुक जाते हैं, इसकी डेफिनेशन इसी पढ़ लेते हैं। नाइसिन की डेफिशिएंसी मैम इसको एक बार और बता दीजिए। हाँ बताती हूँ, एक सेकंड इसकी डेफिशिएंसी देख लो पहले, ठीक है? यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी दिख रही, देख रहा, ठीक है? कहाँ से बताऊँ मैं? स्टार्टिंग से इसका कि कैसे? नहीं नहीं ये जो लास्ट में ये वाला फंक्शन। ठीक है, फंक्शन देखते हैं एक बार और। नाइसिन का जो फंक्शन होता है वो इन अ बॉडी एज ए कंपोनेंट ऑफ टू इंपॉर्टेंट को एंजाइम। किसके को एंजाइम? एनएडी और एनएडीपी, ठीक है? तो इनके फुल नेम्स बता दिए, ये इसके फुल नेम्स हैं। दिस को एंजाइम आर इन्वॉल्व इन टिश्यू रिस्पिरेशन, मतलब टिश्यू के श्वास प्रश्वास में, सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है? ये कोएंजाइम्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? टिश्यू के रिस्पिरेशन में, सिंथेसिस में और ब्रेक डाउन करने में, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने में की एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है? नाइसिन वर्क्स इन क्लोज एसोसिएशन विथ राइबोफ्लेविन, ठीक है? नाइसिन जो है राइबोफ्लेविन और थायमिन के साथ काम करता है इन द सेल मेटाबॉलिज्म सिस्टम दैट प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है? मतलब हमने B1 पढ़ा है थायमिन और B2 पढ़ा है राइबोफ्लेविन और नाइसिन, ये तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं सेल मेटाबॉलिज्म में और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इससे ये क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, ठीक है? अब एक बार हम लोग इसकी डेफिशिएंसी सोर्स पढ़ेंगे, ये मैं इसमें लिखनी पड़ी थी। सोर्स का तो क्या है, ये मिल्क के अंदर पाया जाता है जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, और लीवर शीप, ग्राउंड नट, फ्लैश फूड और ब्रीवर यीस्ट, यीस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है? और ग्राउंड नट फ्लैश फूड, वैसे इसके इसका इतना नहीं पूछा जाएगा कि ये किसका इसका जो हाईएस्ट सोर्स है वो क्या है। डेफिशिएंसी बस इसकी एक बार पढ़ लीजिए कि जो ये प्लेग, प्लेग्रा, प्लेग्रा, इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन करेंगे? प्लेग्रा, पहला ग्रह, प्लेग्रा, ठीक है? तो ये जो प्लेग्रा है ये इसकी डेफिशिएंसी हो से होता है, और एक बार इसकी एपिडेमिक आई थी, जैसे कोरोना की एक बार एपिडेमिक आई थी ना, वैसे इसकी आई थी, और ये जो सिम्टम इसके करेक्ट हुए थे नाइसिन को देने से, ठीक है? इसको मैं कल अच्छे से फिर से समझा दूंगी, ठीक है? ये डेफिशिएंसी से पढ़ेंगे इसका, फिर उसके बाद बाकी चीजों को भी, अभी 6 है बोला गया है उसमें, तो 3 चीज बाकी है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तक की जितनी भी स्लाइड है ना मैं आप लोगों को भेज दूंगी, फिर आप लोगों को क्या काम करना है कि जैसे कल आप लोगों ने पीपीटी बनाई, सॉरी पीपीटी नहीं, कल आप लोगों ने जो टेबल बनाया था वैसे ही आज भी एक टेबल बनाना है, ठीक है? मैं एक बार देख लेती हूँ, 12 लोग हैं और आज सिर्फ 4 लोगों ने बनाया था, कल सब बना के लाएंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग मीटिंग लेफ्ट करते जा रहे हैं।